हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जल्दी से लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर मेरी रेहड़ी लगेगी। ये जो चाय वाले भैया आपको नज़र आ रहे हैं, इनके साथ में वाली जो जगह है वहाँ पे मेरी रेहड़ी लगा करेगी खाने की। और ये भैया पूछ रहे थे मेरे से कि ना आप वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाऊंगी कि मैं कौन सी जगह पर रेहड़ी लगाने वाली हूँ। तो वो भैया हंसने लग गए, बोलते ठीक है चलो बढ़िया है, मैं चाय बेचूँगा, अपना अपना खाना बेच लिया करना। तो जो कस्टमर्स खाना खाने आएंगे वो चाय पी लिया करेंगे, जो चाय पीने आएंगे तो वो खाना भी खा लिया करेंगे। तो देखो ये जगह मैंने लोकेशन पसंद करी है अपनी फूड स्टॉल लगाने के लिए। कैसी लोकेशन है कमेंट करके बताइएगा। देखो ये हाईवे टाइप लगता है, तो यहाँ देखो कारें वगैरह जा रही हैं, व्हीकल जा रहे हैं, और लोग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए इधर आते हैं। तो ये चाय वाले भैया, इनके साथ ही मैं अपनी जो है स्टॉल लगा लूँगी, ये मैंने डिसाइड किया है। तो ये जगह देखो मेरी फाइनल हो गई है, तो मैंने सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी लोकेशन शेयर कर देती हूँ जहाँ मैं अपनी फूड की खाने की स्टॉल लगाऊंगी। हाँ साथ में ये बेटा, कुछ आवाज़ आ रही है आपको? विहान नहीं आ रही ना? हाय मेरा कान बज रहा है, इसका मतलब मेरा कान ना भी ठीक नहीं हुआ। आज भी मैं गई थी डॉक्टर के, ये देखो दूध का पैकेट लाई थी, लिखती हूँ आजकल मैं, आज सुबह से मैंने कितना खर्चा किया है। तो ये देखो 20 रुपये का दूध लाई थी, और इसमें से मैंने पिया था, और विहान का रख रखा है, स्कूल से आने के बाद दिन में पिलाऊंगी उसको, ज़्यादा नहीं आधा गिलास ही पिला दूंगी, इतना भी पी ले बहुत है बच्चा, दही खा ले, है ना बेटा? मैं ज़्यादा, हाँ ज़्यादा थोड़ा तो पीता है ना, है ना बेटा? तो मेरा कान बज रहा है मेरा ना, अभी मैं दिखा के आई, मैं कम भैया अंकल वो जो डॉक्टर है ना, जो मतलब वैसे क्लिनिक है उनका, उन्होंने मेरे मेरे गले की कला कह रही हूँ सॉरी, कान की सफाई भी कर दी, मतलब वैसे थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं सुन रहा, उसके बावजूद भी नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, क्योंकि कान में ना मतलब वैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कान के अंदर पानी चला गया है, और वो चीज़ पता ही नहीं कैसे ठीक होगी। तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा तो निकाल दिया उन्होंने, और बाकी ना आप वो ईयर वैक्स वगैरह कान में ना रोज़ रेगुलर 1-2 दिन और लगाओ, फिर दिखाना, चेक करवाना दोबारा से। तो मैं तो परेशान होगी यार, कान में सच्ची पता नहीं अजीब सी आवाज़ आती रहती है पूरा टाइम। मैं तो पता नहीं क्या वो मनहूस घड़ी थी जब मेरे कान में पानी चला गया, सिर धोया था बस वो कान के अंदर चला गया, और वो उसकी वजह से देखो 2 दिन हो गए मेरा कान बिल्कुल ब्लॉक है, मुझे एक कान से तो सुनता ही नहीं है, मतलब मैं दूसरा कान भी बंद कर दूँ तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। इवन कई बार पड़ोसी इस टाइम गाने भी चला लेते हैं ना, सुबह की बात बताऊँ, गाने चला रखे थे और मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहे थे वो गाने भी, मतलब और मैं वीडियो में अगर आवाज़ दे देती ना तो होता क्या कि कॉपीराइट आ जाता, क्योंकि इतनी तेज़ गाने चल रहे थे और मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे कानों में, तो मेरा तो कान ब्लॉक हुआ पड़ा है। फिर मेरे को थोड़ी सी आवाज़ आई ना, तो फिर मैंने ना कहा, मेरे को अंदाजा सा हुआ, मुझे लगा इस टाइम चलाते तो है ना पड़ोसी गाने, तो मैंने अंदाजन फिर मैं दूसरे घर में जाके आवाज़ दी मैंने वीडियो में। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना मैंने जो ये आज मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि आज मैं ऑलमोस्ट मैं 60% कपड़े धो दूंगी, 100 में से 60 कपड़े आज धुल जाएंगे। तो ये कुर्सी पे जितने भी कपड़े दिखे हुए दिख रहे हैं ना आपको ये सामने, तो ये तो मैं आज धोऊंगी पक्का, क्योंकि मशीन से फटाफट धो के जल्दी जल्दी करना क्या, पानी बदलती रहूँगी, सर्फ डालती रहूँगी, बाद में पानी में से निकाल के अपना मशीन भी आज मैंने सही लगाई ली। उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो ये देखिए जी ये मैंने पोहा भिगोया था आज टिफिन में, विहान को पोहा दिया, आधा खाया वापस ले आया, बट थोड़ा सा तो खाया था। तो इसमें देखो मैंने आज प्याज, मेरी कुकिंग ना डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है, आप खुद देखिए ना, अब आज मैंने ना प्याज थोड़ा ना बारीक काटा, मुझे पता चल गया पोहे में ना मोटा, देखो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा था मुझे पोहा। तो ये देखो पोहा बन के तैयार हो गया था, ये इस तरीके से मैंने टिफ़िन में ऐड करके फिर विहान के स्कूल गई, टिफ़िन देकर आई। तो यही मेरा रहता है, देख लो तीन मेरे चार पांच पांच चक्कर तो मेरे बाहर के ऐसे लगते हैं। देखो सुबह पहले विहान को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, उसके बाद वापस आती हूँ घर, उसके बाद फिर लंच देने जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर तीसरा चक्कर लगता है फिर विहान को लेने जाती हूँ स्कूल से, फिर वापस घर आती हूँ, उसके बाद चौथा चक्कर फिर विहान की ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर वापस घर आती हूँ, फिर विहान के पास जाती हूँ, फिर विहान को एक और ट्यूशन है वहाँ छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि 2 ट्यूशन लगा रखी है वहाँ से, फिर आगे बाइक पे, फिर वहाँ छोड़ के आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर जाती हूँ ट्यूशन से लेने, फिर वापस आती हूँ, फिर बीच में इसको पार्क में लेके जाना होता है तो फिर मैं पार्क में जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, बीच में 2-4 चक्कर मेरे मंडी के हो जाते हैं, कभी मंडी जाना पड़ता है। इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि पैसे जमा करके एक 2 व्हीलर और ले लूँ, ये तो है चलो मेरी लूना, क्योंकि मेरे चक्कर मेरा ना मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करती हूँ बाइक वगैरह, मेरा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये है ना कि एक मेरे को डर ये लगा रहता है कि अगर एक बाइक ख़राब हो गई तो मैं मेरा मेरा मेरी मुसीबत बन जाएगी 1-2 दिन की भी, और वैसे भी ना 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि आपका ना क्या है देखो एक से कल को मेरे को सर्विस के लिए करवानी है बाइक, तो सर्विस के लिए जाएगी तो मैं कैसे मतलब मैनेज करूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए बैठे रहो फिर।
तो इसीलिए दो तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। टू एक इंसान, टू व्हीलर्स ना, दो तो ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये लूना हो जाएगी XL 100, एक मैं एक्टिवा लेने की सोच रही हूँ। इस साल के आखिरी तक पैसे जोड़ूंगी। आप लोगों ने कल मुझे बताया अभी 1,20,000 की आती है, तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इतने पैसे, और पता नहीं हो भी पाएंगे या नहीं। पर हाँ, अच्छा चल छोड़ के आऊँ, आ जा चला जा। तो विहान को अभी सीट पे बैठा के आई हूँ, और ये देखो यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे, उसके बाद मैंने आज राजमा बनाई। तो मैं ना मतलब फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा रोज़ हो रहा है, मतलब मैं बनाने इसीलिए लग रही हूँ खाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो मेरे को मेरी हो रही है ना, तो यही हो जाए जो प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। मैं नहीं चाहती कि जब मेन मैं जाके मार्केट में खाना बेचूँ तो खाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने राजमा बनाई ना, तो मेरे को समझ में आया, देखो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। क्या हुआ बेटा? अच्छा झूठ बोल रहे थे? आजा फिर जा, मजाक कर रहा था। अच्छा निकाल ले। तो मैं ये कह रही थी कि ना देखो अभी ना, जैसे आज मैंने राजमा बनाई तो मुझे अपनी गलती समझ में आई, क्योंकि एक तो मैंने बिल्कुल 2 घंटे पहले मतलब भिगोई, तो ज़्यादा अच्छे से वो भीगी भी नहीं थी। चलो ज़्यादा है ना, पूरी रात को ही भिगोनी चाहिए अगर सुबह राजमा बनानी है। दूसरी गलती मैंने पता क्या करी कि राजमा का ना मतलब राजमा ज़्यादा थी, उस हिसाब से मैंने ना टमाटर कम लिए। अब टमाटर 100 रुपये किलो है, तो बंदा मैं 2 ही टमाटर लिए, अब 2 टमाटर में खटास ही नहीं आई राजमा, एकदम फीकी फीकी लग रही है। तो मसाला ज़्यादा नहीं डाला उसमें, अदरक भी नहीं डाला मैंने, दालचीनी भी नहीं ऐड करी, बेसिक मसाले, रंग की मिर्च कुछ भी नहीं ऐड करा उसमें। हरी मिर्च सबसे अच्छी लगती है जो फ्लेवर देती है। तो मैं काफ़ी सीखने लग रही हूँ कि मैं गड़बड़ क्या कर रही हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही है। तो डेली मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, और मैं वीडियोज़ भी देख रही हूँ आजकल यूट्यूब पर, जैसे कुकिंग वगैरह के शॉर्ट्स देख लेती हूँ। इतना लॉन्ग वीडियो तो देखने का इतना टाइम होता नहीं, छोटी वीडियो होती है ना 1-1 मिनट की कुकिंग की, तो उसमें मैं राजमा वैसे ही देख रही थी। तो मेरे को पता चला कि राजमा को जब उबालते हैं उसमें दालचीनी भी ऐड करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं। तो बस लिखूंगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर हलवाई स्टाइल की राजमा है, उसमें क्या ऐड करते हैं ऐसे देख देख के समझ आएगा। ग्राइंडर का भी देखो यार बहुत वो होता है। अब देखो ना आज क्या हुआ, आज मैं ग्राइंड नहीं कर पाई टमाटर, क्योंकि जिस टाइम मैं बनाने लग रही थी उसी टाइम लाइट चली गई। तो ये दिक्कत कल को दोबारा आ गई तो मैं क्या करूँगी। तो मुझे समझ में आया कि जैसे सुबह के टाइम ही नहीं थी, जब तू जैसे सो के उठेगी ना तभी तेरे को ग्राइंडिंग वाला काम ना तू पहले ही कर लिया करियो, जैसे टमाटर ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो ना तू एकदम से खड़े पाँव ऐसे हो जाए कि यार टमाटर तो ग्राइंड नहीं कर पाती ना, क्योंकि मिक्सी वगैरह चलती नहीं इन्वर्टर पे, हम मेरे इन्वर्टर वो हो जाता है फिर पावर की प्रॉब्लम। तो हाँ बेटा बोलो। मम्मा बस यही रहे, इतने ही थे ब्लू लगाओ। तो ये मैंने पपीता विहान के लिए कट कर दिया था कि आएगा स्कूल से आते ही खिला दूंगी। तो विहान को पपीता खिला दिया था, पोहा ये काफ़ी हद तक वापस ही ले आया था, तो ये राजमा खिलाई। हाँ ये राजमा मैंने खिला दिए विहान को, इसमें थोड़े से घी ऐड करके, इसको पसंद है ये राजमा, ऐसे ही खा लेता है बिना चावल के। फिर चावल अभी बनाए नहीं मैंने, मैं कहा इतने राजमा खा लेगा ये, तो अभी राजमा खा लिए थे, फिर बाद में बनाऊँगी मैं अभी, अभी तो ये ट्यूशन जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो विहान हेलो बोल दे। हेलो हेलो। हाँ तो ये देखो बहुत सारी इरेजर्स है यहाँ पे, आप देखोगे ना। देखो मैं ऑरेंज ऑरेंज ले रहा हूँ। हाँ बहुत सारी इरेजर्स है, ये सारी मैं विहान के लिए इकट्ठी लेकर आई थी जो। हाँ बहुत सारी, जैसे क्यों? जैसे हाँ इतनी इरेजर ले आई, इसकी चलती रहेंगी। और क्यों? हाँ क्यों इतनी सारी लाई ना मम्मा, क्योंकि ताकि मम्मी, हाँ, मैं ट्यूशन जाऊंगा तो ये। अच्छा एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो। माँ मैं ट्यूशन जाऊंगा तो ये खोल देना। अच्छा ठीक है खोल दूंगी मैं, थोड़ा सा तकिया लगा लूँ। यार मैं परेशान सी हो रखी हूँ इस टाइम, मेरा ना दिमाग ना ऐसा हो रहा है, वीडियोस वगैरह में भी मतलब पता क्या हो रहा है, मेरे को सुन नहीं रहा कान से, 3 दिन हो गए मेरी ना। मैं 1 अक्टूबर से बता रही हूँ, मैंने सोचा था चलो इस महीने अच्छा काम करूंगी, मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं रह रही, 8 दिन हो गए हैं। बीच में मेरा 2-3 दिन मेरे पेट खराब, कभी वोमिट आने को हो गई, वहाँ दिक्कत बीच में। फिर अब मेरा 2 महीने से मेरा पैर में दर्द है, मेरे पैर का उसमें एडी में दर्द है। फिर मेरे अब ये कान की प्रॉब्लम हो गई है, 3 दिन हो जाएंगे अब मेरे इस कान से, मेरा ये पूरा हिस्सा ब्लॉक हो रखा है, ये मेरे को लग रहा है। मम्मा देखो हाँ ये मैं अलेचल की दीवार बना रहे, ये टूट नहीं जा रही है। नहीं टूटेगी, दरवाजा टूट रहे मेरे, मेरे जैसे दरवार बना रहा हूँ। बना लो। टूट रही है ये दरवार। दीवार? हाँ। हाँ। टूट जा रही है। बना लो फिर। बना के दिखाता। और रखता। और ये देखो ये टूट जा रही है।
मैं बताऊ, दिखा दिखा। ये भी तो है, बस कर, इतनी नहीं रखी जाएंगी इस पे, तो गिरेगी, मेरे से नहीं होती इतनी, तो टूटेगी बेटा, इतनी सारी थोड़ी रखी जाएगी, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं रखी जाएगी, ऐसे लंबाई ऊंचाई पे थोड़ी रखी जाएगी बेटा, तो गिरेगी सारी, गलत है, ऐसे लगा ले इनको, ऐसे एक ऐसे करके बस ऐसे ही लगती रहेंगी, ऐसे थोड़ी लगेंगी, लाइन बना ले, हाँ लाइन बना ले, हाँ हाँ लाइन बना ले ऐसे ऐसे। तो मैं ये बता रही थी कि मेरा ब्लू लाइन बनाता हूँ, मैं यही बता रही थी कि ना अभी इस टाइम क्या हो रहा है ना, मेरा ये हिस्सा एकदम ब्लॉक है, एकदम क्या करूं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा अभी, मेरे को ना मेरे से ना जो मतलब अभी मैं जिन डॉक्टर को दिखा रही हूँ ना, वो है मतलब उनका वैसे ही खुद का एक क्लिनिक है छोटा सा खोला हुआ है, मैं उनपे जा रही हूँ दो तीन दिन से, आज मेरी उन्होंने कान की सफाई करी, उसमें रुई लगा के मेरा ऐसे ऐसे पूरा निकाला, बट फिर भी नहीं सुनाई दे रहा, वो निकल हो कान साफ होने के बाद भी कुछ नहीं सुन रहा मुझे अभी भी, क्योंकि पानी बहुत अंदर चला गया मेरे कान के अंदर, अब मैं मेरे को ना ये हो रहा है इस टाइम, हाँ लाइव नहीं कर रही बेटा, अभी तो वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ बिहान, अब चलो येलो वाली। और अभी पता है क्या, फिर मैं ना मेन डॉक्टर जो होते हैं जो ईएनटी वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास इसलिए नहीं जा रही, सीधा मेरा 1000-1200 का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो लेके चलो 250-300 फीस, 500-700 रुपए तो यार कान की सफाई जो प्रॉपर जो करती है ईएनटी, वो तो पूरी उनकी अलग मशीन होती है, उससे एक बार करवाई हुई है मैंने पहले, तो उससे करते हैं, तो वही चीज बात आ जाती है मेरे दिमाग में, वो चीज है कि यार इतनी मेहनत से ये पूरा दिन इतनी वीडियोस मेहनत कर करके तो 1000 रुपए कमाती हूँ दिन के, और वो एक ही मिनट में चले जाएंगे, तो इसीलिए मैं जा नहीं रही, मैं सोच रही हूँ ये ईयर वैक्स ड्रॉप दे रखी है ना इन्होंने, क्या पता ये काम कर जाए, बोला तो है उन्होंने, बोला है कि एक दो दिन ना रोज दो दो ड्रॉप डालते रहो, क्या पता इससे थोड़ा असर हो जाए और एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाए, मैं इसी चक्कर में मैं ना इतना ज्यादा, हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं ना, मीन्स सोचना पड़ता है ना बहुत ज्यादा, इतने मेजर खर्चा 1000-1200 रुपए नहीं निकाले जाते, 1000 भी लग जाएंगे तो भी वही बंदा सोचता है 1000 रुपए एकदम से जाएंगे कान के इस प्रॉब्लम में, तो यही सोच रही हूँ कि कुछ नहीं होता निधि, किसी तरीके से 2-3 दिन और सहन कर ले, सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा मेरा, पूरा क्लान ब्लॉक है, हो सकता है मैं तेज बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सुन नहीं रहा ना इसलिए, तो ये हिस्सा मेरा पूरा ब्लॉक है, लेकिन मैं फिर भी ये सोच रही हूँ कि क्या पता ये दो, कल भी मैं इन्हीं डॉक्टर पे जा रही हूँ, ये फीस नहीं लेते जिन पे अभी जा रही हूँ, आज इन्होंने मेरी जैसे कान की सफाई वैसे करी ना पोर्टल डाल के, उसके कोई पैसे नहीं लिए, ये बस दवाइयों के पैसे लेते हैं, तो मैं गई हूँ तो फिर मैं अभी भी यही चीज सोच रही हूँ कि ना वेट करते हैं निधि, थोड़ा इंतजार करते हैं किसी तरीके से, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और मेरा कान अपने आप ही सुनना शुरू हो जाए, होता है ना एकदम से 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, क्योंकि दवाई तो डाल ही रही हूँ ना कान में, तो बस इसी चक्कर में रह रही हूँ, बाकी मेरा ना टाइम बताऊ मैं 12:15 बजे से लेके 2 बजे तक मैं सिर्फ बैठ के विहान को खाना खिलाती हूँ, मैं कुछ और काम उस टाइम नहीं कर सकती, क्योंकि विहान बहुत टाइम लेता है खाना खाने में, धीरे 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 खाता है, मीन 12:30 बजे लेके बैठूंगी खाना खिलाने, फिर खाता। अब 2 बजे तक फ्री करा इसने मुझे, 1.5 घंटा लगी रही इसके पास, बैठी रही, पहले थोड़ा पपीता खिलाया, उसके बाद थोड़ा गैप देके फिर मैंने इसको थोड़े राजमा खिलाए, अब इसका पेट इतना है कि अभी अभी और ज्यादा नहीं खिलाना, क्योंकि राजमा वैसे भी भारी होता है, तो अभी मैं क्या है ना, जैसे ये अभी ट्यूशन जाएगा, मतलब ये वीडियो मेरी जाते ही ये ट्यूशन जाएगा, अभी अभी खत्म होते इसको छोड़ के आऊंगी, तो वहां पे मैं कुछ नहीं देती इसको खाने पे, पहले ट्यूशन पे नहीं दूंगी क्योंकि अभी खा ही रखा है इसने, मैं देती हूँ इसको 2 केले 4:00 बजे दूंगी मैं, तो 4 बजे जाते ही जब मैं मैडम के पास ये बैठता है ना, तो एक केला खोल के इसके हाथ में पकड़ा देती हूँ, वहां बैठ के खा लेता है मैडम के सामने कि हाँ मैडम देख रही है खा लेगा, घर पे नहीं खाएगा, तो वहां पे एक केला खाने के बाद फिर मैडम को एक केला इसका दे के आती हूँ कि मैम जब इसका काम हो जाए ना, तो इसको 5:30 बजे से थोड़ा सा ना बीच में मतलब या 5:45 पे ऐसे दूसरा केला हाथ में पकड़ा दिया करो, ये खा लेगा, तो ये दूसरा केला भी वहां पे खा लेता है फिर मैडम के सामने, तो इस तरीके से फ्रूट चला जाता है बच्चे के, उसके बाद मेरा रूटीन है जब ये वापस आता है तब तक मैं कुछ ना कुछ खाना वाना बना के रखती हूँ, फिर मैं इसको खिलाती हूँ, क्योंकि देखो 6 बजे तक तो ये केला ही खाता है, फिर मैं इसको 7 बजे तक खिलाती हूँ गैप देके, हाँ फिर मैं इसको देखो ना मैंने कैसे खिलाई,
अच्छा लगा थी लाइन, बहुत सुंदर लाइन लगा। ये है ब्लू, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये है ऑरेंज, ये है ब्लू, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये कौन सा है? पिंक। पिंक। और ये वाला? ऑरेंज। और ये वाला? ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन बोल रहा है ग्रीन। और बाकी एक चीज गुड न्यूज है कि विहान की अब यूकेजी क्लास शुरू होगी है। यकीन नहीं होता तो इसकी नोटबुक्स दिखाऊं मैं आप लोगों को? अब ये टू अक्षरों का जोड़ कर रहा है, अब ये पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब ये 4 साल का है और ये इसका क ख ग और ए अनार सब हो चुका है। मतलब मैं इसको बाकी बच्चों से ये बहुत आगे चल रहा है। आप कहीं भी सर्च कर लेना, 4 साल का बच्चा ना जो एलकेजी क्लास में सिर्फ क ख ग सीखता है और नर्सरी में ए अनार सीखता है। मेरा बच्चा ए अनार पूरा सीख चुका है, कै खै गै भी पूरा सीख चुका है। अब ये 2 अक्षरों का जोड़ पढ़ रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यकीन ना हो तो। वीडियो तो मेरा लंबा हो रहा है। ये कहाँ है विहान, तेरी ट्यूशन वाली नोटबुक निकाली नहीं क्या? मैंने आज वैसे ही दे दी क्या? मेरे को तो ध्यान भी नहीं, मैडम ध्यान ही रहता, कई बार स्कूल में चली जाती है इसकी ट्यूशन की नोटबुक्स ना। निकाली तो थी, चल मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी आपको, बाद में लाइव वगैरह में दिखा दूंगी। अभी रुक जाओ, फिर वो ना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बस मैं यही बता रही थी कि ऐसा है, ठीक है? तो अच्छा है, बात है मेरा बच्चा। हाँ, यूकेजी भी अभी इसकी अभी हो जाएगी, इसकी अभी मैडम ने बोला है। हाँ बोल। मम्मा मम्मा ये खिलौने रख के आ जाओ जो मैं ये लाया हूँ। हाँ ला के रखती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैडम ने ना, ट्यूशन वाली मैम ने ये बोला है इसका कि ना अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अगले 6 महीने में इसका यूकेजी फिनिश हो के फर्स्ट क्लास में डलवा देना। अगले साल सारा सिलेबस इसको आ गया है, इसका टाइम मत खराब करना। मतलब बाकी बच्चों से बहुत आगे चल रहा है पढ़ाई में, मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ इसकी पढ़ाई पे। दो दो ट्यूशन लगवा रखी है मैंने मेरे बच्चे की। ये देखो 2:40 से 6 बजे तक लगातार पढ़ता है। तीन लगवा दूँ? 3 ट्यूशन पढ़ेगा? हाँ। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? चलो जी एंड करती हूँ वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ओ ओ ओ ओ ओ ओ।